भाई ये बाइक देख सकते हो मेरी, बिल्कुल ही पुरानी टूटी फूटी और तो वो सब अभी ख़राब हो गए। फिर से आज इस बाइक के करेंगे जी, अपना सीन चेंज करेंगे बाइक का, बिल्कुल सीट कवर वगैरह इंशाल्लाह चढ़वाएं। Assalamualaikum, तो वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज के उस यूसी ने कह जी बहुत दिन हुए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बस लास्ट व्लॉग में बनाया था जब सिंधड़ी रेस्टोरेंट पर गए थे रऊफ चन्ना आशान डायर लकी डायर के साथ, उधर से वापस आ गए थे तो बस मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। वो इस वजह से नहीं बनाया, कुछ मसरूफियात आ गई थी जिंदगी में, तो सबसे अभी फ्री होके फिर भी आज से फिर व्लॉगिंग पर ध्यान दिया जाएगा। तो बस आज का कुछ यूसी ने कह जी ये देखे, ये सामने अनाज पड़ी हुई है, इसको जाके पहुंचाना है सीधा आटे की चक्की पर। और दूसरा काम ये कि भाई आपको बताया मैंने रिसेंटली अभी आईफोन 11 प्रो ले लिया था, तो ये फोन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इंशाल्लाह दुआ करो चेंज करूंगा इंशाल्लाह। अभी टॉयलेट पे जाने की सोच रहा हूँ मैं, तो ज्यादा दुआ करो। आज सेकंड मई, थर्ड मई पर है मेरा HBD हैप्पी बर्थडे मतलब जन्मदिन। तो गाइस असल में बात क्या है, रऊफ चन्ना वो भी कराची है, अभी लाला जतोई वो भी कराची है, तो उसके बगैर हम कैसे भाई सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ सब दोस्त एक साथ हो तो करेंगे सेलिब्रेट, बाकी अपना अल्लाह आपको नेकी दे। एक हो गया हमारा काम अनाज देना है चक्की पर, अभी मैं आपको चल के दूसरा काम दिखाता हूँ। भाई ये बाइक देख सकते हो मेरी, बिल्कुल ही पुरानी टूटी फूटी, और व्लॉग बनाया था अभी रिसेंटली, उसमें कितनी नया नई हो गई थी। अभी फिर से भाई अभी कारपेट वगैरह नया डलवाया था अपना रिसेंटली, तो वो सब अभी खराब हो गए। फिर से आज अपना सीन चेंज करेंगे बाइक का, बिल्कुल सीट कवर वगैरह इंशाल्लाह चढ़वाएंगे। ज्यादा देखते हैं क्या होता है, बाकी ये हमने भाई घर में अपना आम का पेड़ वगैरह लगाया है, वहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, ये देखो ना इसके छोटे छोटे से भाई अभी निकलने। ओए आईफोन 11 प्रो ये देखो भाई साहब। तो कोई नहीं, अभी मैं आपको थोड़ा सा वीडियोस दिखाता हूँ कि पहले कैसी थी भाई, और जब बनवाएंगे तो बाद में भी थोड़े थोड़े से वीडियोस दिखाऊंगा कि भाई कैसी बन गई। Pull up on you like agency, देता असरात मनफी, तुझ में डर है I can sense it, left you bloody just हमारी सिनेमेटिक कोई डन। तो अभी बस निकलते हैं अनाज देने के लिए। Fuck around till you come to your senses. My future or to past tenses. Lajawab, you do not have the answers. Tum jaise Afghanistan mein Americans. Ek call pe daku marega daka. Rebel lab kya hukum hai mere aka. Gangland chote mera share proper. Idhar din dehaade ho jata hai. तो गाइस ये हम फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आटे की चक्की पर पहुंच गए, और ये चंगू लाला हमारा फुल ही काम में लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप अंदर। अस्सलाम वालेकुम, और अपना चक्की देख सकते हैं अंदर बिल्कुल ही ओके। और भाई यहाँ पर खजूर के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं देख सकते हैं। तो अभी बस निकलते हैं, अभी जाना है पहले मुहर्रम की तरफ, मुहर्रम के बाद मैं चंगू को घर छोड़ूंगा और मैं निकल जाऊंगा बाइक बनवाने। मुहर्रम वालों की शॉप पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मुहर्रम नहीं है भाई, अभी मुहर्रम के लिए पूछा, मुहर्रम के लिए बोल रहे हैं कि पेपर देने गए हैं, अभी पेपर देने गए। मैंने पूछा भाई कौन से स्कूल में पेपर देने गए, तो वो आप स्कूल देख सकते हो, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल। तो बस अभी मैं सोच रहा था मुहर्रम को लेके जाऊं गाड़ी बनवाने, लेकिन अभी अकेला जाऊंगा कोई मसले वाली बात नहीं है। तो गाइस वो अंदर बाइक खड़ी हुई है, तो अभी बाइक धुलवाने के लिए आए हैं इधर, क्योंकि भाई बाइक ट्यूनिंग वगैरह होगी, मोबाइल वगैरह होगी, तो पहले ही वो कारपेंटर में पानी जाए तो भले जाए, ट्यूनिंग के बाद कोई मसला ना करे, मैं ये चाहता हूँ कि उसके लिए पहले अपना माशाल्लाह सर्विस स्टेशन पर आके सर्विस वगैरह करवाते। तो गाइस अभी फाइनली भाई सरफ वगैरह लग रही है, सरफ वगैरह जैसे लगती है तो उसके बाद भाई जल्दी से निकलें भाई, गाड़ी बनवाने बहुत देर हो गई है, बहुत लेट हो गए हम पहले से। और यहाँ पर चंगेज लाला बैठा हुआ है, और यहाँ पर देखते हैं अभी सर्विस वगैरह हो जाए, वाश वगैरह करवाते हैं, उसके बाद फौरन बाहर निकलते हैं सीधा गाड़ी बनवाने। गाइस ये हमारी बाइक खड़ी हुई है, अभी धुल के बिल्कुल ही रेडी हो गई है, अभी बस सर्विस स्टेशन को करते हैं जी अलविदा, अभी निकलते हैं सीधा मिस्त्री की तरफ, गाड़ी वगैरह चल के बनवाते हैं। तो अभी लास्ट काम रहता है वो है डीजल लगाना, इधर लगाओ जैसे नहीं हो रही है भाई, चमक रही है देखो, ये देखो जबरदस्त भाई साहब, ये देखो भाई जबरदस्त।
बिल्कुल ही जीरो हो गई भाई। पेंट साहब भाई अभी सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर भाई हमारा मुंशी लगा हुआ है, हमारा भाई शमन, ठीक है। अभी बात कुछ ऐसी है कि अभी बाइक हमारी स्टार्ट नहीं हो रही, तो अभी क्या करें? धक्का लगा दें, धक्का लगा दें। तो धक्का लगाओ, बिस्मिल्लाह शुरू करो। ये ओए ओए उतर उतर, ये देखो बैठ रहा है, उतर, धक्का दे धक्का दे धक्का दे धक्का, दोनों दो। स्टार्ट हो जाए बाद में बैठ जाओ। हाँ भाई वो आगे सर्विस है और यहाँ पर जी मिस्त्री है, कोई छोटा सा मिस्त्री आप देख सकते हैं। तो यहाँ से गाड़ी वगैरह बनवाते हैं भाई, स्टार्ट नहीं हो रही थी पता नहीं क्यों, तो यहाँ से बनवाते हैं। तो अभी लेट्स सी, निकलते हैं सीधा मिस्त्री की तरफ, बस अभी रास्ते की वीडियोज होंगी कुछ, उसके बाद सीधा मिस्त्री की तरफ पहुँच जाएंगे। तो इट्स योर बॉय, ये yeah. तो गाइस फाइनली अभी सफर वगैरह करके तो अभी ये किसी शॉप पर आ गए, तो अभी यहाँ पर आ गए भाई, गाड़ी वगैरह बनवाते हैं, अभी हमारी गाड़ी खुलेगी, बहुत काम है बहुत। और ये यहाँ पर मिस्टर सुबो मिस्त्री बैठा हुआ है, पोयो आयल उस्ताद है, हमें भी देख लो। हाँ पाना वगैरह लगाओ, सबर नहीं हो रही अभी, जबरदस्त करके दो अभी। तो गाइस हमारा कोलू मिस्त्री अभी फुल तरीके से लगा पड़ा है हमारी गाड़ी को, तो सबसे पहला काम जो यहाँ पर गाड़ी आई है, सबसे पहला काम ये हो रहा है कि भाई गियर वाली राड खुलेगी और ये भी खुलेगा, सारी गाड़ी इंजन खुलेगी, पोयो आयल। हाँ फिर क्या हो जाएगी? पोयो आयल, ये स्टाइल कैसे करते हैं स्टाइल? तो गाइस ये चेन सेट भी डलवाना था, तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये ख़त्म हो गई ना, इसकी त्रिशी हो गई, मतलब चेन स्लिप हो रही है इस पर, तो मतलब ये चेन सेट भी इसका लाजमी था। तो ये यूनिबियर का मैंने चेन सेट कह रहा था कि चेन सेट यूनिबियर वाला अच्छा रहता है, ये मिलता है 1500 रुपये का, और सर्विस का मिलता है 1400 रुपये का, और ये फिल्टर ये पड़ा हुआ है, एक मिलता है 100 रुपये वाला, एक होता है 50 वाला। अगर आपकी चाइना बाइक है, रेस वगैरह में नहीं भगानी, तो 50 वाला डाल दो। हाँ उस्ताद ऐसा ही है, बाकी अगर आपको रेस में भगानी है तो 100 वाला डालो, या आपकी जीरो न्यू मॉडल है तो 100 वाला डालो। तो ये हो गया हमारा ओके। अच्छा ये होल खोल दो। अच्छा कितना खोलें, 2 इंच 3 इंच? पूरा ही खोल दो ना गाड़ी भागेगी। जी हो पोयो आयल करो, वही है। और ये अपना चेन कवर पड़ा हुआ है, एक बिल्डर एक होता है नोंडा वाला 1050 रुपये का, और ये वाला है 700 रुपये का। तो आपकी अगर इतनी रफ यूजिंग नहीं है तो ये 700 रुपये वाला डाल दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मिस्त्री क्या करते हैं, मिस्त्री इसका डब्बा मतलब जो होता है ना खाली यूनिबियर का, ये सेल होता है, इन कंपनी वाले लेते हैं। तो अभी सुबह से चल के पूछते हैं कितने में सेल करते हो डब्बा, यूनिबियर का डब्बा कितने में सेल करते हो? 50 रुपये। मेरे आका गैंगलैंड छोटे, मेरा शहर प्रॉपर, इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका। चले उस्ताद अभी क्या हुआ? डन हो गई, अभी ये मट्टी साफ करें, ट्यूनिंग की ट्यूनिंग में होती है मट्टी साफ, ये जो कचरा है ना ये साफ करें। बहुत ज्यादा कचरा हो गया, किस वजह से होता है इधर? चेन कवर नहीं है इसलिए, ये चेन कवर भी नहीं है, मट्टी आ रही है। हाँ ये मट्टी इधर जमा होती है। सही सही, वो मोबाइल वगैरह लीक होता है, मोबाइल वगैरह तेल आयल की खराब होती है। सही सही सही, अभी ये पूछे मैं साफ कर रहा हूँ, इसको धो रहा हूँ, देख रहे हो कितना रंग है पालक है। हाँ मट्टी है ना बहुत ज्यादा, ये मट्टी है, ये साफ हो जाएगी, ओके हो जाएगा काम। अभी आपको ये जो धो रहा हूँ ये भी रिजल्ट में दिखाई। अच्छा हाँ बिल्कुल, ऐसे चमका दूंगा इंशाल्लाह भाई। अभी ये धो रहा हूँ इसको, यार कितना जीरो हो रहा है उस्ताद, सारी मट्टी उड़ जाएगी, पूरा इंजन जो है ना वॉश कर रहा हूँ उस्ताद, तूने तो जीरो कर दी। हाँ ना ये पूरा वॉश कर रहा हूँ, ये देख रहे हो ना कैसे चमक रही है, जबरदस्त हो गया, ये तो न्यू अप्लाइड हो गई। उस्ताद जी अभी अनबॉक्सिंग कर रहा है अपना, क्या है, यूनिबियर चेन सेट, नाम नहीं ब्रांड है, चेन भी है और दो गिरारियां है ना, दो गिरारियां वो पहले याद है उस्ताद,
इसमें पैसे निकलते थे चेन साइड में, अब नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा यार, सिक्का निकलता था 5 रुपए का, 0 सिक्का। हाँ जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये शहर की चली हुई है बाइक, ये मैं कच्चे में तो नहीं लेकर गया था, जो इतनी खराब हो गई यार। तो मट्टी तो होती है ना भाई शहर में, यही बात है भाई। तो गाइस अभी फाइनली ट्यूनिंग वगैरह और फिल्टर वगैरह हमारा हुआ डन, और चेन की आगे वाली गिराड़ी फिट हो गई है। बाकी अभी उस्ताद लाउ थी, उस्ताद क्या हाल है? ओके, तो अभी उस्ताद है जो पीछे वाली गिराड़ी खोल रहा है। तो ये जो गिराड़ी निकालती है पुरानी, ये कबाड़ में जाती है। हाँ अच्छा, ये कबाड़ में जाती है। उस्ताद इसके लेदर भी डालना, ब्रेक लेदर, सही है यार। ये क्या हो गया अभी, टायर उस्ताद ने खोला तो ये न्यू चीज अब बाहर सामने आ गई, पूरा टूटा हुआ है भाई। अच्छा ये पैनल भी लेके आऊं, नट भी लेके आऊं अंदर से? हाँ हाँ जियो। डब्बा कितने का सेल करते हो? 50 50। पैनल चाहिए यहाँ से, अभी पैनल वगैरह लेते हैं, और वो वहाँ पर सारे काम वाले बैठे हुए हैं। सुबह कितने में सेल करते हो डब्बा? हाँ यूनिबियर लो, यूनिबियर यूनिबियर। भाई अभी बहुत सारे काम करके आया हूँ, तब तक उस्ताद ने गाड़ी कर दी इधर रेडी। लाइट भी बैक लाइट बिल्कुल ओके हो गई है, और अपना हेड लाइट भी अभी लगने को है। चेन कवर भी लग गया बिल्कुल ओके, और उसके अलावा अपना साइलेंसर भी हमारा ओके हो गया। क्या है चार्जर? ये उस्ताद तू मुझे बड़े में डला आ रहा है अंदर, ये बड़े में डला आ रहा है तू, बात सीधी है। हाँ चार्जर नवा डलेगा, खर्चा होगा गाड़ी चलेगी। अच्छा खर्चा नहीं होगा गाड़ी नहीं चलेगी, कौन कहता है? मैं कहता हूँ चलेगी, जस्ट इंजन हो गाड़ी चलेगी। जबरदस्त जबरदस्त भाई, मैं गया था काम से, 2-3 काम थे वो करके आया हूँ। चाय वगैरह लेके आया, खाना वगैरह हमने खाया, हर चीज़ ओके हो गई, बाकी गाड़ी भी हमारी ओके होने को है। अभी फाइनली मेरी अपनी सीट लेकर जा रहा हूँ, अभी कवर वगैरह चढ़वाना है इस पर, चलते हैं देखते हैं। मेरे दोस्त की शॉप है आगे, सीट कवर्स वगैरह नंबर प्लेट्स वगैरह वाली, तो आगे काम है भाई, बुला रहे हैं सीट कवर वाले, भाई इधर आओ भाई इधर आओ। तो चलते हैं अभी उसकी तरफ, सीट कवर वगैरह चढ़ाते हैं, और मैं सोच रहा हूँ टैंकी ही भी हाफ करवा दूँ कवर, ज़्यादा उधर जाके देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी यहाँ से सीट कवर वगैरह बनवाने आए थे, तो ये हमारे पड़ोस का लड़का यहाँ पर काम करता है, तो यहाँ पर बैठे बैठे इसने बोला भाई क्यों अपने चैनल की नंबर प्लेट क्यों नहीं लगा देता? तो मैंने बोला भाई गाड़ी इतनी बनवाई है तो हर चीज़ की है, बाकी नंबर प्लेट नहीं लगवाए तो ये सही नहीं रहेगा। तो बाकी यहाँ पर नंबर प्लेट वगैरह हमने बनवा ली है भाई, फ्री में नंबर प्लेट, वो फ्री में स्पॉन्सर कर रहा हूँ, कस्टमर जो भी आएंगे सही है, बाकी नंबर प्लेट फ्री में, सीट कवर वगैरह फ्री में, ठीक है भाई। ओके ओके। ओ मेरी नंबर प्लेट बन रही है, फाइनल रिजल्ट बाद में दूंगा, 5 मिनट रुके ज़रा भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ये हुई ना बात, इदरीस लाल। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। अभी गाड़ी हमारी देख सकते हैं बिल्कुल ही ओके हो गई, आगे से भी लाइट ही इसकी नहीं थी, लाइट वगैरह डल गई, मीटर वगैरह डल गया, और ये ब्रेक की केबल वगैरह डल गई, ये डल गया, सीट कवर, ये किक साइलेंसर, कितने काम है, ब्रेक लेदर और अपना बैक लाइट, और ये हमारी प्यारी प्यारी सी नंबर प्लेट, ये भी डल गई, हर चीज़ ओके हो गई। अभी बस जो लास्ट काम रहता है ना, लास्ट काम ये है कि मोबिल डलवानी है। सुबह दादा मोबिल डाल देना, जल्दी करो जल्दी भाई। अभी सुबह ने मुझे एक बात बताई, वो बात क्या थी? वो आई नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल भी नहीं था, नहीं कसम उठाओ ऐसे यकीन नहीं करेंगे भाई, पूरी गाड़ी में से ये मोबिल निकली है, निकली भी नहीं है ये समझो, निकली नहीं। अल्लाह अकबर यार, मोबिल ही नहीं थी, शुक्र है मैंने डलवा दिया, नहीं तो भाई गाड़ी हमारी भाई बताए क्या हो गई गाड़ी? ये गाड़ी अभी चार्ज हो गई, ओयो ऑयल अभी डल रही है मोबाइल। वो आज वाला दिन चला था तो इंजन चेक मारता भाई, कॉल पे डाकू मारेगा डाका, रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका, गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर, इधर दिन दे हाँ।